पश्चिम सिंहभूम जिले में डायन विसायन के नाम पर लोग अंधविश्वास में लोग जीने पर मजबूर है। डायन जैसी कुप्रथा पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने अपना कमर कस लिया है। झारखंड राज्य को डायन जैसी कुप्रथा से मुक्त कराने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूकता की जा रही है। चाईबासा जिला अंतर्गत सभी थाना प्रभारियों को यह विशेष रूप से निर्देशित किया गया है और कि डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम को जो है वो कड़ाई से लागू करें। किसी भी व्यक्ति या किसी भी महिला के साथ अगर कोई डायन के नाम पर उसके साथ कोई हिंसा होती है तो उस हिंसा को जो है उसका प्रतिकार किया जाए, उस हिंसा को तुरंत डॉक्यूमेंटेड करके जो है उस पर कार्यवाही की जाए ताकि यह एक बड़ी घटना में न तब्दील हो। चूंकि छोटी छोटी घटनाएं ही होती हैं जो स्थानीय चौकीदार को या स्थानीय जनप्रतिनिधियों का अगर सहयोग लिया जाए या फिर स्थानीय मानकी मुंडा का अगर सहयोग लिया जाए तो इस तरह की आसूचना प्राप्त की जा सकती है। तो हम लोगों का बल यही होगा कि सामान्य विवाद के कारण जो आसूचनाएं होती हैं वो जनता की जो विवाद संबंधी आसूचनाएं हैं वो पुलिस तक पहुंचे ताकि पुलिस समय रहते उस पर कार्यवाही कर सके और प्रतिरोधात्मक कार्यवाही करते हुए किसी हत्या जैसी बड़ी घटना को रोका जा सकता है। तो पुलिस जो है लगातार इस पर जागरूकता अभियान भी चलाएगी और जो डिस्ट्रिक्ट लीगल जो हम लोग का एक डालसा के तहत जो एक जागरूकता शिविर चलाया जाता है तो वैसे गांव को चिन्हित करके हम लोग डालसा के सेक्रेटरी को भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि उन गांवों में जहां पर इस तरह की घटनाएं पहले हुई हैं उनको भी चिन्हित करके वहां पर जो है जागरूकता अभियान चलाया जाए। कैंडिन रेलवे बाईपास सड़क पर आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। पुल के पास एक ट्रक के चपेट में आने से 3 स्कूली छात्र बाल बाल बच गए, पर उनकी मोटरसाइकिल ट्रक के चक्कों के नीचे आने के कारण मोटरसाइकिल के परकच्चे उड़ गए। सरकार के राजस्व एवं पथ निर्माण विभाग के सचिव के सोन ने गोद लिए हुए डुमरिया प्रखंड के लखाईदी गांव का आज दौरा किया। इस दौरान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव आराधना पटनायक एवं पूर्वी सिंहायुक्त रवि शंकर शुक्ला भी साथ थे। दौरान के सोन ने गांव के सारी सुविधा एवं समस्याओं की जानकारी ली। जिला के जोड़ीसा पंचायत में आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र वितरण को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर 4 पंचायत जोड़ीसा उल्दा महोलिया और झंडा के लाभुकों को आमंत्रित किया गया था। इस समारोह का उद्घाटन जल शक्ति अभियान के मद्देनजर विधायक प्रतिनिधि हराधन सिंह ने वृक्षारोपण कर किया। इस मौके पर कुल 130 आवेदकों के बीच स्वीकृति पत्र सौंपी गए। मंडल गोपालपुर बैंक ऑफ इंडिया में आधार कार्ड सेंटर होने से लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। चिल्लाती गर्मी में विशेषकर महिलाओं एवं छोटे बच्चों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। आलम तो यह है कि 40 किलोमीटर दूर चाकुलिया जैसी जगहों से लोग आते हैं और उन्हें भी 2-3 दिन तक का चक्कर लगाना पड़ता है। यही नहीं, सेंटर तो 10 बजे के लगभग खुलती है परंतु अपनी बारी पहले कराने के एवज में प्रातः 7 बजे से ही लोग लाइन लग जाते हैं। लोग सरकार की ऐसी कार्यशैली से काफी दुखी हैं। आज हम 4 दिन से दौड़ रहे, जनता को परेशान हो रहा है, सरकार की गलती, जनता को परेशानी। आज आइए, कल आइए, परसों आइए, इस तरह का नौटंकी किया जा रहा है। सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं है, ना सरकार
बोलती है ना कुछ कर पाती है। ये लोग को बोलने से बोलता हम लोग क्या करें, हम लोगों का अपना न्यूज है, हम लोग को जितना करना है उतना करेगा। जब टाइम है, कल का टाइम रहता है कि मैडम नहीं आती है, जब वो टाइम डेट में अगर आता है तो बोलता है कि कल आइए, कभी बोलता है चार दिन का बाद आइए। इस तरह का नौटंकी किया जा रहा है जनता को परेशान। कोई डुमरिया से आ रहा है, कोई बागा बांध से आ रहा है, कोई बांधवान से आ रहा है, कोई पुरलिया से आ रहा है, इतना दूर से लोग आ रहा है आधार कार्ड अपना करेक्शन कराने के लिए, फिर भी घूम के जाना पड़ रहा है, फिर भी एक दिन में नहीं हो पा रहा है, तीन से चार दिन, कभी दस दिन से पंद्रह दिन तक लग जा रहा है दो बैग को सुधार करने के लिए। सरकार की गलती से आम जनता को परेशान किया जा रहा है। आपका क्या नाम? किशोरी लाल दास। कहाँ रहते हैं? फुलडुंगरी धर्मबाग। क्या नाम? मेरा नाम गुमी हंसदास। कहाँ रहते हैं? गंधनिया। गंधनिया, आपका यहाँ पर क्या काम है घाटशिला में? मेरा काम है आधार कार्ड बनवाने। अच्छा, आधार कार्ड नया बनवाना है? हाँ, करेक्शन करना। करेक्शन करना है जी। इसके पहले भी आप आई हैं? हाँ आए हैं, जमा किए थे लेकिन रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट हो गया है? हाँ। तो इसके बाद सर क्या होगा, क्या बोल रहे मैडम? अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वहाँ आंगनबाड़ी में खोज रहा है कि ये आधार कार्ड के बिना पासबुक नहीं खुल रहा है, और वहाँ मांग रहा है कि ये आधार कार्ड पासबुक। आप यहाँ पर कितना देर से बैठे हैं? हम लोग आए हैं 9 बजे। 9 बजे। दादा आपका क्या नाम है? प्राणचंद्र मुर्मू। कहाँ से आए हैं? चाकुलिया। क्या काम है यहाँ पर? आधार सुधार करने के लिए। अच्छा, कब से बैठे हैं? 17 तारीख से हम जमा किया था, अभी तक नहीं हुआ, 3 तारीख हो गया है। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है, मैं डेट किया था, फिर तो व्यापार हो गया, सोमवार आया था लेकिन सोमवार नहीं आया था। क्या सुन रहे हम डेली चक्कर लेके आते हैं, लेकिन मेरा आधार कार्ड नहीं हुआ। नहीं,